पहला ये कि आपको यह निर्णय अचानक लेना पड़ता है, इसको गोपनीय रखना पड़ता है, इसलिए कि लोगों को पैसा बदलना या उसको किसी गोल्ड में कन्वर्ट करना या और ऐसा काम करने के अवसर ना मिले। जिसके पास घर में छोटी सी मात्रा का कैश रहता है खर्चे के लिए, लोग बैंक से विड्रॉ करते हैं या अपनी सेविंग्स में से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जाकर बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले एक दो सप्ताह थोड़ा कम संख्या मिलेगी, जैसे ही करेंसी अधिक मात्रा में सामने आएगी और अगले तीन चार सप्ताह में एकदम रिप्लेसमेंट करेंसी पूरी बाजार के अंदर होगी। ब्लैक मनी, करप्शन का पैसा, क्राइम का पैसा, ड्रग्स का पैसा, टेररिज्म का पैसा, जाली पैसा, रुपया, वो सारा इस करेंसी में था। और आपने इस निर्णय के साथ इन सब तकलीफों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करवाने की और देश को मुक्त करवाने का प्रयास किया। आप कितना भी पैसा आपके पास हो, आप बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि यह कोई इम्यूनिटी स्कीम नहीं है, इसमें कोई टैक्सेशन से मुक्ति नहीं है। उस संबंध में जो देश का कानून है आपके ऊपर लागू होगा।